नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी। आज हम आए हैं राजस्थान की धड़कन जयपुर। जयपुर जो राजा महाराजाओं का शहर हुआ करता है और उसको एक और नाम का दर्जा दिया गया है जिसका नाम है पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से अगर कोई भी नाम लेता है तो उसका नाम अपने ऑटोमेटिक ही सामने आ जाता है जयपुर। जो आज हम जयपुर के आमेर के किले के सामने खड़े हैं, जो मेरे पीछे देख रहे हैं इतनी सारी लंबी लंबी दीवारें हैं और इधर एक महल है, तो हम उसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर इस किले की जो विशेषता हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस किले की क्या मेन वजह है और ये जो राजा महाराजाओं ने ये किला किस लिए बनवाया था, इसके बनवाने का क्या कारण था, वो भी हम जानेंगे। हमारे पास अभी जो खड़े हैं ये जयपुर के ही रहने वाले हैं, जो आमेर के किले को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या जयपुर के इस आमेर के किले की विशेष जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये डिटेल में बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? राजेश, राजेश पारिक। राजेश जी, आप प्रॉपर जयपुर से? प्रॉपर जयपुर से ही हैं, प्रॉपर आमेर से हैं। Okay. तो जो आमेर के किले में इतना जो लोगों का हुजूम हम देख रहे हैं, वो इसका जो आकर्षक मूल आकर्षण है वो क्या है? सर, सबसे मूल आकर्षक तो इस पैलेस के अंदर शीश महल है, अट्रैक्शन जो पैलेस के अंदर बना हुआ है, शीशे का महल है जिसको महाराजा मिर्जा रजय सिंह ने बनवाया था। और पैलेस को जो आमेर पैलेस का एक खूबसूरती है कि पहाड़ के ऊपर स्थित है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। सेकेंड अट्रैक्शन ये पहाड़ की बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है जो कि पूरे विलेज को कवर करता है। तो यही इसका अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है। ये आमेर का किला एक किले का नाम है या पूरा आमेर का एक ये गांव का नाम होगा? आमेर गांव का नाम ही आमेर है और आमेर गांव के अंदर ही एक फोर्ट बना हुआ है, तो इसका नाम आमेर का किला हो गया। जो आमेर के गांव में ये किला बना तो इसलिए आमेर का किला बन गया। ये जो महल है ये किनका है? ये भी सर रॉयल फैमिली का हुआ करता था, लेकिन ये फर्स्ट पैलेस हो तो रॉयल फैमिली हुआ करता था। आमेर किले से बनने से पहले जो रॉयल फैमिली के जो लोग रहा करते थे, वो नीचे में जो पैलेस बना हुआ है ना पुराना ही देख रहे हैं आप, तो इसमें रहा करते थे। सो 14th to 15th century तक यहाँ पे इसमें रहा करते थे। उनके जो वैवाहिक संबंध, वैवाहिक कार्य होते थे वो यहाँ पे होते थे। यहाँ पे जो कोरोनेशन प्ले राजतिलक का छतरी बना हुआ है नीचे, जो राजतिलक होता था कोरोनेशन, जो उसके युवराज को घोषित किया जाता था, तो वो नीचे में ही होता था। उसके बाद 1592 में महाराजा मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे, 9 gems ऑफ जो कि नवरत्नों में से एक थे महाराजा अकबर के, तो उन्होंने 1592 में इस पैलेस को बनाने की शुरुआत करी। तो इसको जो बनाने का मेन कारण क्या रहा है? सर, एक पैलेस को बनाने का मेन कारण था ये रेजिडेंस हुआ करता था रॉयल फैमिली का, और ऊपर में जो पहाड़ी पे जो है वो फोर्ट, एक्चुअली उसे कहते हैं जैगर फोर्ट किला। और ये फोर्ट और पैलेस में डिफरेंट ही, पैलेस हुआ करता था जिसमें रेजिडेंस हुआ करता था रॉयल फैमिली का, राजा अपनी फैमिली के साथ इस पैलेस के अंदर आ करते थे। इसी के अंदर विंटर पैलेस, समर पैलेस, मानसून पैलेस, तो उनके रहने के लिए हुआ करता था।
और क्या विशेष चीज़ें हैं आमेर के किले के अंदर? आमेर के किले के अंदर सबसे पहले इसका अट्रैक्शन देखिए, इसका जो पहाड़ी के ऊपर स्थित अरावली हिल्स के ऊपर स्थित है। दूसरा है इसके अंदर जो देखने आप जलेब चौक है, अंदर जाएंगे आप जलेब चौक के बाद इसका जो दीवानी आम बना हुआ है। खास है दीवाने खास के अंदर सबसे मेन अट्रैक्शन है शीश महल, जिसे शीश महल या विंटर पैलेस के नाम से जाना जाता है। गणेश पोल इसका मेन एंट्रेंस डोर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डोर इन द वर्ल्ड में आता है। उसके ऊपर जो पेंटिंग है काइंड ऑफ द फ्रेस्को पेंटिंग है, नेचुरल कलर्स की बनी हुई जो पेंटिंग्स है। और इसके अंदर जाएंगे तो बाहर मानसिंह का पैलेस बना हुआ है, जिसमें 12 क्वींस के लिए 12 अपार्टमेंट थे। तो ये सब पैलेस के अंदर है। राजा महाराजा हैं उनकी तस्वीर या कुछ ऐसा बना हुआ है? ये तस्वीर वगैरह इस किले में नहीं है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर में आता है। ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है रॉयल फैमिली का। वो जो आप देखना चाहते हैं तो वो नीचे सिटी पैलेस में जिनका म्यूजियम है, सिटी पैलेस जहाँ पे आज की जो रॉयल फैमिली है इन्हीं के जनरेशन थे और ये उन्हीं के जनरेशन अभी इनका सेम जनरेशन है, वो नीचे में रहता है सिटी के अंदर, सिटी पैलेस के अंदर। सो वहाँ पे आप इनके फोटोज पिक्चर आर्म्स वगैरह सब वहीं देख सकते हैं। तो और क्या विशेष चीज़ें हैं जो टूरिस्ट हैं उनको लुभाती हैं यहाँ पर? यहाँ के मेन तो आमेर पैलेस, ये पैलेस ही सबका अट्रैक्शन है।
बट अगर आप अगर कुछ एक्सप्लोर करना चाहो, अगर आपको जानना चाहो, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखने की है। ये पूरा विलेज यहाँ पे कम से कम आप एक या दो दिन यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे समझिए, क्योंकि पैलेस के साथ साथ पैलेस फोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पैलेस और फोर्ट के साथ नीचे में जो पैलेस बना हुआ है, ये पुराना पैलेस फर्स्ट पैलेस था। आमेर पैलेस अभी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में आता है, पता है आपको, 2010 में या 12 में डिक्लेयर हुआ था यूनेस्को के अंदर। इसके बाद ये देखिए मीरा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, ऊपर में बद्रीनाथ जी का मंदिर हुआ है। ऑलमोस्ट 365 टेम्पल्स कहते हैं कि इस विलेज के अंदर बना हुआ है। पीछे लेक है, लेक के पीछे में एक ब्यूटीफुल सुंदर झील बनी हुई है, जिसमें पानी अभी नहीं, बरसात नहीं हुआ, लेकिन पानी होता है, फुल पूरा पानी फुल होता है। नीचे में एक गांव के नीचे जो स्टेप वेल बना हुआ है, आपने सुना होगा स्टेप वेल, जो चांद बावड़ी अब देखा, वैसा स्टेप वेल एक नीचे में बना हुआ है, काफ़ी सुंदर स्टेप वेल बना हुआ है। इसी तरह कई मंदिर बने हुए, जैन टेम्पल्स है, तो सब देखने गए यहाँ पे। यहाँ पर जो ये अभी जो बता रहे हैं, ये मंदिर किस टाइम पर बनाया गया और किस किन का है? जगत शिरोमणि का मंदिर है, मीरा कृष्ण का मंदिर है, 16th century में बनाया गया था, 400 ईयर्स ओल्ड। ये वन ऑफ द क्वीन ऑफ द मानसिंह की वन ऑफ द क्वीन थी, उसका नाम था कनकावती, उन्होंने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण किया। और कोई इसकी जो आमेर के किले की कोई विशेष जो चीज़ जो टूरिस्ट लोगों को ना पता हो, जो आप उनको बताना चाहें? सर विशेष तो एक्चुअली आजकल गूगल पे सब कुछ लिखा होता है, लेकिन विशेष शीश महल, मेन विशेष है शीशे का महल। और एक्चुअली महल अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए तरह एक्टिविटीज़ कही है, अभी पैलेस जो है आप जैसे दिन में विजिट कर रहे हैं, आप रात को भी इसको विजिट कर सकते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र मॉन्यूमेंट है जो रात को भी खुलता है, जैसे आप दिन में विजिट कर रहे हैं वैसे रात को भी इसमें विजिट करते हैं, पूरा लाइटिंग होता है, बहुत सुंदर दिखाई। इसका खुलने का समय और जैसे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में क्या 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 हिसाब किताब है? 8 o'clock पे ये अर्ली मॉर्निंग ओपन होता है, ग्रीफ कॉलिंग जो भी और इसके अंदर सर्दियों में सब दोनों टाइम 8 o'clock पे ओपन होता है। 5:30 इसका टिकट विंडो का क्लोजिंग टाइम है, शाम को 5:30, और रात को फिर अगेन ये लाइक विंटर टाइम में 6:30 पे ओपन होता है, और समर टाइम में 7 o'clock पे अगेन ओपन होता है। रात को बंद किस टाइम? 5:30 पे क्लोज होता है, और रात को फिर खुलने के बाद 7 o'clock पे खुलने के बाद ये 10 o'clock पे बंद होता है।